देश की सत्ता दूसरी बार संभालने के साथ ही मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल होती नजर आई है। जीडीपी का आंकड़ा बढ़ने की बजाय लगातार नीचे गिर रहा है, जिसे लेकर पहले ही सरकार घिरी हुई है कि अब मूडीज ने जो रिपोर्ट जारी की है वो भी चिंता बढ़ाने वाली है। ये रिपोर्ट न सिर्फ अर्थव्यवस्था को झटका है बल्कि बैंकिंग सेक्टर के लिए भी खतरा है। अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को लेकर पूर्व की यूपीए सरकार और मोदी सरकार आमने सामने है। मोदी सरकार बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को तत्कालीन मनमोहन सरकार की विरासत बताती है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे खारिज किया है। लेकिन बावजूद इसके सरकार नाकामी का ठीकरा कांग्रेस के सिर ही फोड़ती रही है। मगर अब तो 5 साल से देश में मोदी सरकार अपनी नीतियों से काम कर रही है, तो फिर अब तक क्यों नहीं स्थिति सुधरी है, बल्कि हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। आर्थिक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक देश का आर्थिक विकास बीते कई सालों के मुकाबले कमजोर है। एनबीएफसी पर दबाव के कारण आर्थिक विकास में बाधा बनी रहेगी। हालांकि बैंकों को एनपीए से बाहर निकलने में मदद मिल रही है। कॉरपोरेट क्षेत्र की वित्तीय सेहत में सुधार और कर्ज की समस्या के दौर से रिकवरी होने से बैंकों की स्थिति सुधर रही है, लेकिन आर्थिक सुस्ती इस क्षेत्र को भी चुनौतीपूर्ण बनाएगी। यानी अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार का असर बैंकिंग सेक्टर को भी बेहाल करेगा। ये आंकड़े बताते हैं कि विकास का दावा करने वाली सरकार के राज में अर्थव्यवस्था दौड़ने की बजाय धीमी पड़ी है। पिछले दिनों भी आर्थिक मोर्चे पर सरकार फेल होती नजर आई थी। वित्त वर्ष 2018 से 19 की चौथी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर घटकर 6% से भी नीचे चली गई थी। जीडीपी के 5.8 का आंकड़ा छूते ही देश में घमासान छिड़ गया था, जिसे लेकर विपक्ष ने ऐसा मोर्चा खोला कि सरकार का जवाब देना मुश्किल हो गया। वहीं अब मूडीज की रिपोर्ट आने के बाद सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।